डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर कोई सीखना चाहता है, बट डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों सीखना है आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों आपको सीखनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को लेके, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करके, आपको क्यों सीखनी चाहिए और किससे सीखनी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए, ये कुछ सवाल हैं आज के मेरे, जिनके बारे में पूरा डिटेल के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आप भी आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं चल के देखते हैं कि क्या ये सवालों के जवाब हैं। सो गाइस, वी आर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, सो यू कैन सी दिस इज माय चैनल डिजिटल मंजीत। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज प्रेस दी सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दी बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं बता दूं, गूगल एड का अगर आप प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लें और आप बन सकते हैं गूगल एड एक्सपर्ट। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, विच इज दी अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम चार चीजों पे, चार क्वेश्चंस के ऊपर में हम काम करेंगे इस वीडियो के अंदर, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, एंड हु कैन लर्न दिस डिजिटल मार्केटिंग, एंड हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये कुछ चार ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने से पहले हमें पता होने चाहिए। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या है, गेटिंग कस्टमर्स फॉर बिजनेस वाया ऑनलाइन और डिजिटल मीडियम। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम कस्टमर्स को अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो, सर्च इंजिन का हो, ईमेल मार्केटिंग हो, कॉन्टेंट मार्केटिंग हो, ऑटोमेशन हो, एप्लीकेशन, and there are lot of platforms are available जिनके जरिए हम customers को right कर, हमारे जो customers हैं वहां तक पहुंच के अपनी product या फिर services को sell कर सकते हैं। So basically हमारे पास में ना digital marketing की scope जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन at the same time डिजिटल मार्केटिंग इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। मैं इसको जो है यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे फैब्रिक, मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को फैब्रिक का नाम इसलिए देना चाहूंगा बिकॉज अगर हम पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपको कोई भी एड देनी है तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या साइज की एड प्रिंट करानी है, कौन सी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर या रेडियो में आपको देना है और उसमें क्या कॉन्टेंट होना चाहिए, दैट्स इट, आपको ये करना होता है। आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ है, कैसा है, क्योंकि वहां पे आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट? लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो मैं इसको फैब्रिक इसलिए बोलता हूं बिकॉज हमारे जो कपड़े होते हैं उसको एक एक सिंगल सिंगल धागे से साथ में इस तरह से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाता है और फाइनली वो एक ऐसा मजबूत कपड़ा बन जाता है जो कि काफी अच्छा होता है, राइट? लेकिन यहां पर डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ इसी तरह से फैब्रिक की तरह काम करती है बिकॉज यहां पर क्या है कि आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, यहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम कस्टमर्स को एक सेंट्रल लोकेशन पे लेके आते हैं और वहां से फिर हम सेल जनरेट करते हैं, फिर वो चाहे प्रोडक्ट सेल करने की बात हो या फिर प्रोडक्ट आपके सर्विस सेल करने की बात हो, तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं, दैट इज वाई आई कॉल इट एज अ फैब्रिक, राइट? सो आई एम श्योर कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो अभी हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो यहां पे सबसे पहले एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर दी एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, हर कंपनी चाहती है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, हर कंपनी चाहती है उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस आज की डेट में इट इज बिकमिंग अ बैकबोन टू ईच एंड एवरी बिजनेस, राइट? सो हर कंपनी चाहती है उनके पास में एक ऐसा डिजिटल एक्सपर्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो जो उनकी कंपनी का प्रेजेंस ऑनलाइन ब्रांडिंग या फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल को जो है इंक्रीज कर सके।
सो यहां पर जो है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब जो है वो इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इंडिया, अगर आप अब्रॉड में भी करते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी इसके लिए सबसे हाईएस्ट पे जो है वो मिल जाएगी, डिपेंड ऑन दी कि आपको क्या नॉलेज है अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि सैलरी रेंज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप एक फ्रेशर हैं, डिजिटल मार्केटिंग आपने बहुत अच्छे से किसी अच्छे इंसान से सीखा है, अच्छे ट्रेनर से सीखा है, और आपने बहुत डीपली प्रैक्टिकल करके जो है आपने डिजिटल मार्केटिंग को सीखा है, तो आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 3.6 से 4.5 के बीच में कहीं ना कहीं आपको जो है मिलती है इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर, ये पर ईयर का आपका पैकेज होता है। अगर आपके पास में 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली 12 से 20 लाख तक जो है आपका पैकेज जा सकता है, और अगर आपके पास में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी का पता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कीप ऑन चेंजिंग, तो आपको पहले और आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता होगा, तो आपका जो 20 लाख से 50 लाख का जो है पर ईयर का पैकेज हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं और आप पर्टिकुलर एक पूरा कंप्लीट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, इन दैट केस जो है आपका जो पैकेज है वो 1 करोड़ से भी क्रॉस कर सकता है। सो दिस इज दी अपॉर्चुनिटी, यू कैन सी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं मेरे से, तो डेफिनेटली आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, जिसमें बहुत ही डिटेल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग है, वो सारे कवर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जल्दी से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है किसको सीखनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सीख सकता है इसको, तो यहाँ पे कोई भी सीख सकता है ना, कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं अगर मेरी बात करूँ, आई एम इंजीनियर, आईटी इंजीनियर मैं था, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के खुद का कंपनी स्टार्ट करी आईटी की, और उसको कंपनी के अंदर जब बिजनेस नहीं मिला तब पता चला कि भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इससे कैसे प्रेजेंस बनाई जाती है, और आज की डेट में काफ़ी सारे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, राइट। तो ये जो है आपका जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली उसका नॉलेज नहीं है तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो आप 12वीं के बाद में कभी भी स्टडी कर सकते हैं, और आपको इसको सीखने के लिए सिर्फ आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में, बस इतना अगर आपके पास है यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आज हम फाइनली बात करते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना कैसे है। सो बेस्ट वे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का होता है कि आप पहले एक कोर्स को ज्वाइन कर लें अच्छे ट्रेनर का, उसके बाद जो है आप पूरा डिटेल में सीख लें, उसके बाद कंटिन्यू लर्निंग इज ए प्रोसेस। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि आज सीख लिया तो कल आपको पूरा लाइफ लॉन्ग यही चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका जो भी डिजिटल मार्केटिंग के आप आज टेक्निक सीख रहे हो तो आपको कंटिन्यू लर्न करता रहना पड़ेगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, कंटिन्यू अपग्रेड होते रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो है आप एक्सपर्ट बन सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, आप खुद जब काम करोगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैंने सीख लिया और आई एम दी एक्सपर्ट, यू आर नॉट एक्सपर्ट, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल नहीं करा। जब आप प्रैक्टिकल चीजें करते हैं आपको कन्वर्जेंस पता चलता है, आपको ऑप्टिमाइजेशंस पता चलते हैं, तब आप जो है कन्वर्जेंस और सभी चीजों का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाता है, तो डेफिनेटली अब आपको टेक्निक सारी आ गई हैं, देन आफ्टर यू कैन कॉल यू योर सेल्फ एज अ एक्सपर्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइस आई होप कि आपको जो है ये पूरा जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बहुत ही बेसिक सी डिटेल की क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली इन डेप्थ, प्रैक्टिकली 100% प्रैक्टिकल करेंगे, कोई थ्योरेटिकल नहीं सिखाऊंगा आपको, राइट। सो दैट कि आप जो है एक्सपर्ट बने। आपको सिर्फ मुझे सिखाना नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज गेन कर लें, नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट बनना है तो यू कैन ज्वाइन माय कोर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलता हूं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।